मैं रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल स्पॉन्सर्ड बाय मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर स्वरूप सुप्रीम गार्मेंट अब आसनसोल में स्पर्स फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर या आसनसोल बाइक बाजार अब मल्टी ब्रांड टू व्हीलर शोरूम डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। बहुत जल्द हम लोग अनुब्रत मंडल पार्ट 2 देखेंगे, उस समय का खाली इंतजार है। आज ये बातें कही भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने। उन्होंने हमारे संवाददाता से बात की और जब उनसे ईडी की ओर से मंत्री मलय घटक को भेजे जा रहे नोटिस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईडी की ओर से भेजे जा रहे नोटिस पर मंत्री मलय घटक कोई ना कोई बहाना कर उसे काट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी की नोटिस पर 26 तारीख को वापस मंत्री मलय घटक को बुलाया गया है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो 26 तारीख को भी नहीं जाएंगे। वहीं वामपंथियों के बारे में उन्होंने कहा कि बम मिलना, नॉमिनेशन फाइल ना करने देना, इसकी शुरुआत उन लोगों के द्वारा ही की गई है। तृणमूल कांग्रेस तो बस उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्जन है। ये नया बात तो है नहीं, ये लेके 10 times जो ईडी का समन आया और वो कोई ना कोई इशू कोई ना कोई बहाना से कट गए। अभी लास्ट 19 तारीख को लास्ट जो समन आया था उनका पास, उनका भी उस दिन वो मुर्शिदाबाद में थे, हम देखे कोई मीडिया पे देख रहे थे कि वो बोल रहे थे क्या जे मेरा बस नोटिस नहीं पहुंचा, तो उसका भी जवाब वो दिए हैं कि इलेक्शन में बहुत बिजी है। लेकिन आज का जो खबर है वो तो ईडी नहीं मान रहा, ईडी फिर से नोटिस किया 26 तारीख उनको बुलाए हैं। हमको लगता 26 तारीख भी वो नहीं जाएंगे और बहुत जल्द हम लोग अनुब्रत मंडल पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। वो खाली समय का इंतजार है, बहुत जल्द हम लोग देखेंगे ये चीज। सीपीएम कांग्रेस कहती है कि टीएमसी बीजेपी इस तरह का करती है, ईडी सीबीआई के थ्रू से ऐसा करती है, लेकिन दरअसल एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, टीएमसी और बीजेपी, क्या कहिएगा? नहीं नहीं, एकदम नहीं है, एकदम गलत बात है ये एक तो कम्युनिस्ट लोग वामपंथी लोग ये हवा फैला रहे हैं ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ अगर इन जनरल पब्लिक ये चीज़ अगर मान ले कि टीएमसी और भाजपा गठबंधन है तो क्या है, तो उन लोगों का सुविधा हो जाएगा, वामपंथी लोग का सुविधा होगा। वो लोग फिर से सोच रहे हैं, फिर अभी आप देख रहे हैं ना जैसे वामपंथी लोग क्या बोलते हैं ना, बूथ दखल, ऐसा होता है, बम मिल रहा है, अरे ऐसा नॉमिनेशन करने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, पहला बार वामपंथी लोग सुन रहे हैं। अरे ये सब शुरुआत तो 34 साल में अभी लोग दिखाए हैं, टीएमसी तो उसका बढ़िया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्जन है, उसको और थोड़ा मॉडिफाई करके कर रहे हैं। ये तो जितना शुरुआत ये सब वही लोग किए हैं ना, ये सब वामपंथी लोग ही ये सब चालू किए हैं, आज ये सब फैला रहे हैं टीएमसी बीजेपी गठबंधन। कुछ गठबंधन नहीं है, क्या है सही, अभी 2-4 महीना में आप लोगों सबको नजर आ जाएगा। सलामपुर अंतर्गत रुपनारायणपुर ग्राम पंचायत इलाके में पानी की समस्या से इलाकावासी काफी परेशान हैं। लोगों से बात करने पर उन्होंने बताया कि उनके इलाके की सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी है। वहीं पानी की समस्या पर मेयर विधान उपाध्याय से जब बात किया गया तो उन्होंने कहा कि जिस जिस जगह से पानी की समस्या की शिकायत आ रही है नगर निगम की ओर से वहाँ पानी के टैंकर को भेज दिया जा रहा है। যাদের ধরুন বাড়ি নেই তাদের তো সরকার বাড়ি দেবে, এই অবস্থা কেন ফল নেই কতটা এলাকায় ¡Gracias!
জলের এখন জলের সমস্যা খুব সামনে পঞ্চায়েত ভোট আছে তার মধ্যে এইরকম ভাবে জলের সমস্যা আপনারা কি মনে করছেন কি আর মনে করব জল ছাড়া কাজ হচ্ছে না তো সারাদিন সকাল থেকে শুধু নিজের কাজ ফাজ ছেড়ে শুধু জলের চিন্তা বাস আমার নাম সুতন্ত কুমার মণ্ডল থ্যাংক ইউ মানে সবথেকে বেশি সমস্যা আমাদের একটু জলের সমস্যা আছে আমাদের একটু জলের সমস্যা আছে কলের ঠিকমতন জল আসে না বলে এই সমস্যা জল এখন আপাতত আমাদের সাফিসিয়েন্ট দিচ্ছে এটাই যা হ্যাঁ আপনাদের মানে শুধু জলের সমস্যা ছাড়া বা আরো অন্য কিছু সমস্যা রয়েছে না জলের সমস্যাটাই মেন আছে এই কিনা আপাতত আর এমনি উন্নয়নের কাজের দ্বারা ঠিকই আছে সব সব ঠিক আছে শুধু জল ছাড়া উন্নয়ন সব সব ঠিক আছে কি মনে হচ্ছে যে এই পঞ্চায়েতে মানে সরকার কাজ করেছে করেছে কি করেনি না ঠিকই করেছে কাজ মোটামুটি ঠিকই আছে হ্যাঁ আমার নাম রঞ্জিত ব্যানার্জি এই পঞ্চায়েত এই যে আমাদের প্ল্যানের কাজ চলছে কল্যাণেশ্বরের নতুন কল্যাণেশ্বরের নতুন প্রজেক্টের কাজ চলছে বিভিন্ন জায়গায় পাইপ ভেঙে যাচ্ছে ই হচ্ছে তো যা গরম পড়েছে মানুষের প্রচুর অসুবিধা রয়েছে তো যেখানে যেখানে আমাদের রিপোর্ট আসছে যে এখানে জল পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে আমরা ট্যাঙ্কারে করে জল পাঠিয়ে দিচ্ছি বক্ত চলা হয় এক ছোট সে ব্রেক কা महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में एचयू व हेपा फिल्टर सिस्टम है जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में मां के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग 3rd फ्लोर GT रोड आसनसोल। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर फॉल सीलिंग मॉड्यूलर किचन वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस जयंती इनक्लेव अबकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल GT रोड आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। यार एक बात पूछो। हाँ बोलो इसमें पूछने वाली क्या बात है। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं उतने महंगे नहीं रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है प्योर सागवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में। हाँ तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना।
वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। लगातार पिछले 4 सालों से आपकी सेवा में बना हुआ है आसनसोल बाइक बाजार, अब मल्टी ब्रांड टू व्हीलर शोरूम। बाइक और स्कूटी के सेल्स के साथ ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज, इसके अलावा ई रिक्शा और स्कूटी भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। साथ ही पुराने बाइक या फिर स्कूटी को कराना हो एक्सचेंज, तो चले आइए आसनसोल बाइक बाजार। फाइनेंस फैसिलिटी के साथ पाए कैश डिस्काउंट अप टू ₹5,000। तो फटाफट नोट करें हमारा एड्रेस, SB गोराय रोड नियर स्माइल मोड़, आसनसोल। सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी, तो मोबाइल हॉस्पिटल है सुल्तानचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवी, टैब्स और अदर एसेसरीज। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेडांगा, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट, अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ, नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। निगम में बोर्ड मीटिंग बुलाई गई, जहां मुस्लिम समुदाय के आने वाले त्योहार बकरीद में लोगों को किसी भी तरह की समस्या ना हो, इस पर चर्चा की गई। वहीं नगर निगम के कैजुअल एम्प्लॉयज के वेतन में बढ़ोतरी पर भी चर्चा की गई। इस बोर्ड मीटिंग में मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी सहित कई पार्षद एवं पदाधिकारी खास तौर से उपस्थित हुए। सामने ईद हुआ तो সেজন্য আমরা খুব তাড়াতাড়ি মিটিংটা ডেকেছিলাম, কারণ আর সময় পাওয়া যাবে না, বর্ষা নেমে গেছে। তারপরে জলের ব্যাপার আছে, খুব জল লাগে, সাফাইটা খুব দরকার। তো সেই ব্যাপারে যাতে মেয়র সাহেব সময় পায়, কালকের দিনটা মাত্র সময় আছে। তারপরে আপনার অম্বুবাচী চলছে, মেয়েরা সব সমস্তভাবে এরকম ঘরে ব্যস্ত থাকবে। তারপরে আপনার উল্টো রথ চলছে এই এই সময়, এইগুলো নিয়ে খুব ব্যস্ততার মধ্যে এই সপ্তাহটা যাচ্ছে। সেই জন্য আমরা মিটিংটা আজকে ডেকেছিলাম, যে তাড়াতাড়ি আমরা মিটিংটা করে আমরা মেনলি অফিসার যে যারা রয়েছেন আমাদের, তারা যেন এইগুলোর ব্যাপারে অ্যাকশান নিতে পারে, এই জুয়ার ব্যাপারে আমাদের যেন অ্যাকশান নিয়ে সেই কাজগুলো মানুষকে যেন স্যাটিসফ্যাকশন করতে পারে, মাইনরিটির মানুষদের। তারপরে আমরা এখানে আজকে জলের ব্যাপারটা কনফার্ম করলাম, কিছু নতুন কাজ আমরা ডেভেলপমেন্টের কিছু নতুন কাজ কনফার্ম করলাম, আমরা স্যানিটারির জন্য কিছু নতুন কাজ স্যাংশন করলাম, এবং আমাদের যারা কর্পোরেশনের স্টাফ আছে, ক্যাজুয়াল স্টাফ, তাদের আমরা দীর্ঘদিন মাইনে বাড়েনি, তাদের ব্যাপারটাও আমাদের গতকাল আলোচনা হয়েছিল, সেটা আমরা বোর্ডে রাখলাম, যাতে আমরা একটা সিমিলারিটি একটা এনে, যে 20 বছর যাদের হয়েছে তাদের একটু বাড়ুক, তারপর যাতে 15 বছর, তারপর যাদের 10 বছর, তারপর যাদের 5 বছর, এই করে একটা সিমিলার একটা আমাদের সেক্রেটারি সাহেব করেছেন। সেই ব্যাপারটা আমরা আলোচনা করার মধ্যেখান দিয়ে আমরা ওটাকে ব্যবস্থা করছি, যাতে সবাই এই দুর্মূল্য বাজারে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই দুর্মূল্য বাজারে আমরা যাতে তাদের কিছুটা সুরাহ করতে পারি, এই ব্যাপারটা হলো। তারপরে আমাদের বিল্ডিওর ওন হাউসের ব্যাপারটাও আলোচনা হলো, যাতে তাড়াতাড়ি পেমেন্ট করানো যায়, তাড়াতাড়ি যদি কাজ করিয়ে দেওয়া যায়, কোনো কাউন্সিলরের মাধ্যমে যেন কোনো রকমভাবে সেই কাজটা যেন স্থগিত না থাকে, তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য মেয়র সাহেব কয়েকজনের নাম বলে দিলেন, তারা সই করতে পারবেন সেই ফর্মে, সেইগুলো করা হবে। এবং আরেকটা জিনিস, যেটা আমাদের আগে ইঞ্জিনিয়ার সই করবে বিল্ডিওর ওন হাউসে, তারপরে আমাদের সেক্রেটারি আমাদের কাউন্সিলররা সই করবে, ইঞ্জিনিয়ার স্পট ভেরিফিকেশন করে ন্যায্য যেটা সেই রকমভাবে মানুষের কাছে, মানুষকে উপকার করার চেষ্টা করা হবে। যদি কোনো অনৈতিক থাকে, সেখানে ইঞ্জিনিয়াররা সাহেবদের সেই অধিকার দেওয়া আছে, তারা সেটাকে ক্যান্সেল করতে পারবে। আর আমাদের হেলথের ব্যাপারেও আমাদের বেশ কয়েকটা আলোচনা হয়েছে। প্রতি মাসে যেভাবে বোর্ড মিটিং হয়, এই মাসেও বোর্ড মিটিংটা হলো, গত মাসে যেগুলো ছিল পাস হয়েছিল সেগুলোকে পাস করে নেওয়া হলো। আর এই বোর্ড মিটিংয়ে যেহেতু 29 তারিখে আমাদের কুরবানি উৎসব আছে,
সেই উৎসব উপলক্ষে জলকে জলের ডিপার্টমেন্টে যারা ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে জল যেন সুন্দরভাবে মানুষ পরিষেবাটা পায় পুজোর এই পর্ব টাইমটাতে। আর ইলেকট্রিকের কিছু প্রবলেম রয়েছে, ইলেকট্রিকের মানে আমাদের কিছু প্রবলেম রয়েছিল যে ইলেকট্রিক হয়তো কোনো ওয়ার্ডে কোনো কাউন্সিলর সাহেব হয়তো বললেন যে এটা ইলেকট্রিক এই বাল্ব খারাপ আছে কি পোলের স্ট্রিট লাইট খারাপ আছে। এবার আমরা ইঞ্জিনিয়ারকে পাঠালাম, লেট হয়ে যাচ্ছিলো, যেটাতে আমরা একটা প্রসেস পুরোনো প্রসেস আছে সেই প্রসেসে আমরা চেষ্টা করছি যাবার। আর এই মানে চারিদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর যে কাজগুলো আছে যে রাস্তাঘাট ড্রেন যে যে কাজগুলো রয়েছে সে কাজগুলোকে যাতে সুন্দরভাবে কাউন্সিলররা দেখে করে নিতে পারে সেটা সেই আলোচনা হয়েছে। पंचायत इलेक्शन चल रहा है, इस पर भी चर्चा करना था। और 8 नंबर वार्ड में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है पानी का और रोड का, उस संदर्भ में हमने बात किया है। मेयर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि ये काम जो है जल्द से जल्द हम कराएंगे। और बहुत तरह की बातें हुई है अपना जमुड़िया के जो भी वार्ड हैं उनके काम के लिए, और उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि ठीक है मैं जमुड़िया का काम जल्द से जल्द कराने का व्यवस्था। इससे पहले भी आप आए थे पानी की समस्या को लेकर? समस्या हल हुआ था, बातचीत हुई थी और उसके बाद काम भी हुआ था। बात करने के बाद काम तो होगा ही, और मेयर चूंकि मेरे जमुड़िया से ही जीत करके आए हैं इसलिए उनका भी नज़र जो है जमुड़िया पर विशेष रहता है। पानी का समस्या आपको पूरा विधानसभा में पानी की समस्या है, लेकिन आशा करते हैं कि ये बहुत जल्दी ही हम लोग इसको ठीक कर लेंगे। जिन ऑलरेडी हमारा जल टैंकर दीची हमारे अमरूद फेज टू आईजीटा टेंडर हो गए जेटा डामराते हबे হয়তো এই এই মাসের লাস্ট কিংবা পরের মাসের ফার্স্ট উইকে আমরা উদ্বোধন করবো ওটা কাজটা। আর এরপর পাইপ লাইনের টেন্ডার হওয়ার পর পাইপ লাইনের কাজ চালু করবো আমরা। না এমনি কোনো অনেক দিন দেখা হয়নি, আর কিছু কাজও মানে 13টা ওয়ার্ড পড়ছে আমাদের উনার এলাকাতে, এমএলএ সাহেবের এলাকাতে, হররাম সিংজির ওনার এলাকাতে যা যা ছোটোখাটো ওনার নজরে যেগুলো এসছে সেগুলো উনি বলে গেলেন, রাস্তাঘাট ড্রেন বলে গেলেন আমাকে, আমি সেগুলো করব। ওনার বক্তব্য আছে কি আমার পুরো বিধানসভাতে জল ওটাই নিয়ে আপনাকে বলতে এসেছি? না পুরো বিধানসভাতে না, ওনার হচ্ছে 13টা ওয়ার্ডের মধ্যে 4টে ওয়ার্ডে পিএইচই লাইন আছে, 9টা ওয়ার্ডে কোনো লাইন নেই। সেখানে কর্পোরেশন থেকে জল সাপ্লাই দেওয়া হয়, আমরা জল দিই পুরোটাতে, গাড়িতে করে দিই। কিন্তু নতুন করে যে আমাদের ফেজ টু এ যেটা কাজটা চালু হবে সেটা হয়ে গেলে ওনার 13টা ওয়ার্ডে কাজ হয়ে যাবে, মানে আসানসোল কর্পোরেশনের 13টা ওয়ার্ড পড়ছে ওনার। আজ কে লিয়ে খবরো মে বাস ইতনা হি, আপনে আসপাস কি তাজা খবরো কো জাননে কে লিয়ে হামারে চ্যানেল কো জরুর সাবস্ক্রাইব করে আর নোটিফিকেশন কে লিয়ে বেল আইকন কো দবানা না ভুলে, ধন্যবাদ। আসানসোল নগর নিগম কে তত্ত্বাবধান মে মিশন নির্মল বাংলা কো সফল বানায়ে, হামারি প্রতিজ্ঞা হামারা ঘর। এক বাত সবি ইয়াদ রাখে, কচরা জাহা তাহা না ফেকে, কোন সা কচরা কাহা ডালনা হ্যায় আচ্ছি তরহ সে সমঝনা হ্যায়, স্বয়ং জাগরুক হো অরো কো ভি জাগরুক করে, রিডিউস রিইউজ অর রিসাইকেল প্রক্রিয়া কো আপনায়ে सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें, सुंदर परिवेश गढ़े स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।